देखिए क्या क्वेश्चन है। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट इज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर। एच एच मतलब कोई भी एच मान सकते हो, हिंदू मान सकते हो या कोई भी और। ऐसा बोला गया है कि एच 25 पीपल रीड एच, 26 रीड टी मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया, 26 रीड आई, ठीक है इंडियन एक्सप्रेस ले लो, 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड बोथ एच एंड टी, एंड 8 रीड बोथ टी रीच टी इंटरसेक्शन आई, एंड 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर। तीन ऐसे भी हैं जो ऑल 3 वाले हैं। फाइंड, तो अब इसमें डेटा आपके पास कंप्लीट है, इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। वेन डायग्राम फॉर्मूला जिससे करना चाहे आप कर सकते हैं। तीन तरह के न्यूज़पेपर हैं, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, ऐसा मान सकते हैं। अब जो जो फिगर दिया है उसको बनाना चालू करें। सबसे पहले कॉमन कॉमन है 3, फिर एच और टी कितना है 11, तो 8। एच और आई कितना है 9, तो 6। टी एंड आई कितना है 8, तो 5। अब अगर आप देखें तो 8 + 3 11 + 6 17, और हिंदुस्तान वाले कितने 25, तो ये कितना हो गया 8। इंडियन एक्सप्रेस वाले बोलो कितने हो गए 9 + 14 14, तो ये मिले 12। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया वालों की बात की जाए तो 26 हैं और आपके पास 16 आ चुके हैं, यस और नो? तो 16 आ चुके हैं और टोटल 26 हैं, तो कितना बचा 10। अब आपसे जो पूछा जाए बहुत इजीली बता सकते हैं, एक बार ये डायग्राम सही बन जाए तो हमेशा आंसर सही आएगा। अब पूछा द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर मतलब इन सबका ही एडिशन करना है, क्योंकि ये एटलीस्ट वन का ही फिगर होता है। 60 लोग टोटल थे। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने का तरीका, एक सर्कल सीधा सीधा ऐड कर लिया करो। जैसे एच कितने का है 25 का, यस और नो? तो 25 + 10 + 12 + 5, बोलो 35, 40, 52। 52 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं। तो इसका मतलब है 8 है जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं भी करते हैं। तो एटलीस्ट वन बोला है तो एटलीस्ट वन का आंसर होगा 52। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन मतलब हो गया 8 + 10 + 12, तो ऐसे कितने लोग हैं 30 जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर रीड करते हैं। ओनली इंडियन एक्सप्रेस 12, ओनली हिंदुस्तान टाइम्स 8, ओनली टाइम्स ऑफ इंडिया 10। अगर आपने एक बार राइट फिगर बना लिया तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए।